और बहनों, ये कांग्रेस है जिसने एक देश एक संविधान लागू नहीं होने दिया। आज संविधान के नाम पर झूठ फैलाने वाले लोग, मैं उनको सवाल पूछता हूं, अगर आपके लिए संविधान इतनी अहमियत थी तो आपने बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को पूरे हिंदुस्तान में लागू करने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाई? सत्तर पचहत्तर साल तक बाबा साहब आंबेडकर का संविधान पूरे हिंदुस्तान में लागू नहीं हुआ था, कौन जिम्मेवार है? कौन जिम्मेवार है? कौन जिम्मेवार है? ये मोदी है जिसने कश्मीर से कन्याकुमारी हिंदुस्तान बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को लागू करके दिखाया। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में अलगाव और आतंक को हवा देने वाला आर्टिकल 370 बनाए रखा। जम्मू कश्मीर का संविधान अलग था, हम सबका संविधान अलग था। 370 की एक दीवार खड़ी कर दी गई थी और मोदी ने जब कहा 370 हटानी है तो कहते थे आग लग जाएगी। कहीं आग लगी भाई? आग लगी क्या? 370 हटी कि नहीं हटी? कश्मीर में संविधान लागू हुआ कि नहीं हुआ? बाबा साहब आंबेडकर की आत्मा जहां होगी आज मोदी को और हम सबको आशीर्वाद देती होगी। लेकिन मोदी ने जब आर्टिकल 370 हटाया तो कांग्रेस के अध्यक्ष क्या कहते हैं सुना है आपने? कांग्रेस के अध्यक्ष कहते हैं कि ये मोदी जहां जाते हैं वहां 370 बोलते हैं। अरे भाई, इसका 370 का राजस्थान में क्या लेना देना, आंध्र में क्या लेना देना, ये 370 हटाने से देश को फायदा क्या हुआ? क्या ऐसी भाषा कभी हम सुन सकते हैं क्या? ये भी कांग्रेस की दलित आदिवासी महिला विरोधी और वोट बैंक की राजनीति का जीता जागता प्रमाण है। मैं आपको समझाता हूं, आर्टिकल 370 हटने से जम्मू कश्मीर में इन सभी वर्गों को पहली बार संवैधानिक अधिकार मिला है। वहां मेरे एससी एसटी भाई बहनों को आरक्षण नहीं था, वहां पर हमारे वाल्मीकि समाज दलित समाज के लोगों को नागरिक के नाते जो हक मिलने चाहिए ना वो भी प्राप्त नहीं थे, आजादी के इतने सालों बाद भी। ये कांग्रेस और इंडी गठबंधन को जब मैं कहता हूं तो चुभने लगता है, आपने हिंदुस्तान के मुकुट को, वहां के लोगों को, वहां की महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा था। बाबा साहब आंबेडकर ने एससी एसटी ओबीसी महिला उनको जो अधिकार दिए वो जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं थे। और आप संविधान के नाम पर देश को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो। भाइयों बहनों, कांग्रेस नागरिकता देने वाले कानून सीएए का भी विरोध कर रही है, क्योंकि इसके भी सबसे बड़े लाभार्थी दलित है, बौद्ध अनुयायी है। अगाड़ी वाले कितना भी विरोध कर लें, सीएए के तहत हर हकदार को नागरिकता मिलकर रहेगी।
और ये मोदी की गारंटी है।